हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल द टेक में। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि youtube.com को क्रोम में डेस्कटॉप साइट में कैसे ओपन करें। दोस्तों, कुछ कुछ फ़ोन्स में दिक्कत आती है। जब भी हम क्रोम में youtube.com सर्च मारते हैं और जब उस पर क्लिक करते हैं तो हमें सीधा रीडायरेक्ट कर देता है यूट्यूब ऐप में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही सॉल्यूशन देखेंगे कि कैसे हम इसको ओपन कर सकते हैं क्रोम में। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, YouTube को क्रोम ब्राउजर में डेस्कटॉप साइट में ओपन करने के लिए हमें आ जाना है क्रोम ब्राउजर में। क्रोम ब्राउजर में आने के बाद ये गूगल के ऑप्शन पे हमें सर्च करना है youtube.com। दोस्तों, जब हम youtube.com सर्च करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो नीचे आपको एक YouTube का ऑप्शन मिलेगा। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम रीडायरेक्ट हो जाते हैं YouTube ऐप में। तो हमें सिंपली से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद हमें इसे डेस्कटॉप साइट में ओपन करना है। दोस्तों, जब हम डेस्कटॉप साइट में ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इसके बाद हम यहाँ पे YouTube पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों फिर से हमारा ओपन हो जाएगा YouTube ऐप में। तो दोस्तों, हमें बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ हमें सर्च बॉक्स में youtube.com की जगह सर्च मारना है youtube dashboard सर्च मारना है। YouTube dashboard सर्च मारने के बाद यहाँ सबसे ऊपर आ जाएगा YouTube dashboard। इस पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद आएगा ओपन विथ क्रोम और ब्राउजर। तो हमें दोस्तों क्रोम पे क्लिक करना है। क्रोम पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों, फिर से हमें थ्री डॉट पे क्लिक करना है। थ्री डॉट पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा डेस्कटॉप साइट का, तो हमें इसे टिक कर देना है। दोस्तों, जब हम थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये हमारा चैनल का डैशबोर्ड है। आप देख सकते हैं सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर आपके चैनल की जगह कोई और चैनल खुल जाए, जैसे मान लीजिए आपके फ़ोन में एक या एक से ज़्यादा ईमेल आईडी है और आपका कोई और ईमेल आईडी से चैनल खुल गया, तो दोस्तों हमें यहाँ सिंपली से अपने लोगों पे क्लिक करना है। लोगों पे क्लिक करने के बाद हमें स्विच अकाउंट पे जाना है। फिर दोस्तों, जो भी आपका चैनल हो उस पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों, ये मेरा दूसरा चैनल है। उसके बाद ये ओपन हो जाएगा। आपको किसके साथ ओपन करना है, क्रोम या ब्राउजर? तो हम क्रोम सेलेक्ट करेंगे। क्रोम सेलेक्ट करने के बाद एक बार और मारेंगे तो हम फिर से क्रोम पे सेलेक्ट कर देंगे। फिर दोस्तों, सिंपली से हमें फिर थ्री डॉट पे जाना होगा। थ्री डॉट पे जाने के बाद हमें डेस्कटॉप साइट पे टिक करना है। जब हम डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करेंगे तो सिंपल से ओपन हो जाएगा हमारा चैनल का डैशबोर्ड। तो दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।